आप लोग मेरा रूम काफ़ी बार देख चुके हो एंड जब भी कैमरा पे रूम दिखता है आई एम ऑलवेज क्लीनिंग इट बिकॉज इट्स ऑलवेज सुपर क्लटर्ड. सो आई फाइनली डिसाइडेड टू गिव इट अ मेकओवर. I've been working from home, running a small business and also creating YouTube and Instagram videos from this one room for the past 2 years. Considering the fact that I run multiple jobs from this room, it wouldn't be a lie if I say that I spent my entire day in here. But at this point, I really needed to feel like a bedroom and be less cluttered. Therefore, I moved everything from the decor to the editing table to the lights out of the room and left behind only the heavy duty furniture. कमरे से सारा सामान निकालने के बाद मैं और मम्मी गए थे मार्केट टू गेट द पेंट ब्रश द रोलर एंड छोटा मोटा बाकी का सामान दैट वाज नीडेड टू फिक्स द वॉल्स बिकॉज द वॉल्स नीडेड सम वर्क. नेक्स्ट डे वाज सपोज टू बी द डे जब रूम में पेंट होना था एंड आई इनिशियली वांटेड टू पेंट द रूम माई सेल्फ बिकॉज बेसिक यूट्यूबर बिहेवियर. बट आई रियलाइज कि रूम की सीलिंग बहुत ऊंची है एंड नो मैटर मैं कितनी लंबी लैडर पे खड़ी हो जाऊँ मेरा हाथ नहीं जाने वाला है. सो वी काइंड ऑफ डिसाइडेड टू गेट हेल्प फ्रॉम आउटसाइड. ओके, पेंट इज डन. अभी मैंने विंडो एंड डोर का पेंट नहीं करवाया बिकॉज एनीवेज उसके ऊपर पर्दा लग जाता है. नाउ मेरे पीछे सारा जो पसारा पड़ा हुआ है दिस इज लाइक बड़ा बड़ा फर्नीचर. तो अंकल वापस आएंगे और वो ये सब चीज़ें सेटअप करेंगे एंड उसके बाद हम डेकोरेट करेंगे. यू गाइज नो दैट जो मेरे बेड के सामने वाली वॉल है इस पर मैंने 1.5 से 2 साल पहले वॉलपेपर लगवाया था सो दैट मैं हर वीडियो में इसको एज बैकड्रॉप यूज़ कर पाऊँ. बट एट दिस पॉइंट द वॉलपेपर इज लिटरली कमिंग आउट ऑफ एवरीवेयर स्पेशली जो बॉटम वाला एरिया है. सो आई डिसाइडेड टू गिव इट अ क्विक फिक्स. मेरे पास वो वाली ग्लू अवेलेबल नहीं थी जो कि वॉलपेपर्स को पेस्ट करने के लिए यूज़ होती है. सो आई जस्ट मिक्सड वाटर विद फेविकॉल एंड उससे थोड़ा काम चलाओ काम बन गया. सो दैट इज़ ग्रेट. इट इज़ आफ्टर अ कपल ऑफ डेज एंड मैं लास्ट 3-4 दिन से सोफे पे सो रही हूँ और मेरी कमर की अच्छे से बैंड बच चुकी है. बहुत ज़्यादा दर्द है मेरी कमर में. सो अब डिसाइडेड कि आज मैं रूम क्लीन वगैरह करके यहीं पे सो जाऊँ. सो ऑब्वियसली आई एम गोना स्टार्ट ऑफ विद द बेड एरिया जो तुम देख चुके हो मैंने कितना ज़्यादा गंदा कर रखा है. लाइक ऑनेस्टली सब कुछ मैंने ला के इस पे डंप कर दिया था. सो आई एम स्टार्ट ऑफ विद दैट एरिया एंड देन वी गोना सी कि क्या कहाँ पे लगाना है. द ओनली थिंग आई एम नॉट श्योर अबाउट ऑनेस्टली इसकी मैं ये फुल लेंथ मिरर किधर लगाऊँ बिकॉज इस कॉर्नर में इसका अच्छे से पोटेंशियल नहीं आ रहा था. लाइक आई वॉज नॉट एबल टू यूज़ इट दैट मच. बट इसके अलावा कोई कॉर्नर भी नहीं है इसको रखने के लिए. सो वी गोना फिगर दैट आउट. सो यू गाइज नो जो ये वाली वॉल है विच इज़ अ राइट अबाव माई बेड मैंने यहाँ पे बहुत सारे फ्रेम्स लगाए हुए थे बट दिस टाइम आई जस्ट वॉन्ट स्विच इट अप अ लिटल बिट. तो इंस्टेड ऑफ डूइंग फ्रेम्स आई एम गोना डू अ लिटल कोलाज ऑफ पोस्टर्स सिचुएशन. ओके सो दीज आर द पोस्टर्स दैट आई हैव. ये सारे के सारे मैंने इमेजेस पिंटरेस्ट से सेलेक्ट की थी एंड देर इज नॉट अ पर्टिकुलर वाइब वी आर गोइंग फॉर. सब कुछ इतना मिक्स है आई जस्ट होप कि इसे खिचड़ी टाइप ना बन जाए. ओके जी सो इट इज़ day 3 एंड आज मेरे सारे Amazon के पैकेजेस आ गए हैं. तो आई एम गोना बी गिविंग द फाइनल टचेज टू द रूम एंड मुझे सौभाग्य मिलेगा वापस से फैल के अपने बेड पे सोने का बिकॉज कल भी मैं आलसपने में यहाँ नहीं सोई हूँ बिकॉज थोड़ा बहुत गंदा था एंड मैंने सफाई नहीं की थी. सो आज हम फाइनल टचेस देने वाले हैं एंड एक्चुअली पहले मैं सोच रही हूँ कि आई विल शूट द होम डेकोर हॉल ऑल्सो. बट बिफोर दैट आई एम थिंकिंग कि मेरे पास जो फेक वाइन्स थे लाइक द ग्रीन वाइन जो मेरे पास ये वाले फेक वाइन्स आई एम थिंकिंग कि इनका भी यूज़ कहीं ना कहीं कर लूँ. ये वाला काम कर लेती हूँ एंड देन आई शूट माई होम डेकोर हॉल एंड उसके बाद विल गिव द फाइनल टचेज टू द रूम एंड फाइनली आज मैं अपने रूम.
कमर काफ़ी थैंक्स बोलने वाली है मुझे इसके बाद. ओके, सो द प्लान इज़ कि ये जो बहुत ही ज़्यादा वाहियात दिखने वाला स्विच बोर्ड है, इसको हम सबसे पहले छुपाने वाले हैं बिकॉज एस्थेटिक्स के साथ नहीं जा रहा है एंड एस्थेटिक्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैन. सो इसको हम छुपाने वाले हैं विद द यूज़ ऑफ दिस मैक्रमे हैंगिंग जो मैंने खुद से बनाई थी. आई नो मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, बोल सकते हो कॉमेंट्स में, आई वोंट माइंड. एंड जो फेक वाइंस है वो मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ बिकॉज आई थिंक इट कैन लुक प्रिटी क्यूट. लाइक बेड के ऊपर वाली वॉल पूरी मैंने ख़त्म कर दी है एज इन इट्स डन इन एवरीथिंग, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ थोड़ा सा ही ज़्यादा हो गया है. आई एम नॉट श्योर इफ आई एम गोना कीप इट लाइक दैट. एंड में जब मैं दिखाऊंगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता देना कि ये ठीक लग रहा है या नहीं, बिकॉज मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है. एनी वे, आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ दीज लेफ्ट एंड आई हैव दिस बैग विद मी. तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ छोटा सा DIY कर लेते हैं. इसको आई कैन ट्रीट इट एज अ प्लांटर एंड इसके अंदर ये डाल के आई कैन हैंग इट समवेयर. ऑफकोर्स नॉट ऑन द सेम वॉल बिकॉज कुछ मतलब जंगल नहीं बनाना है मुझे, तो सेम वॉल पर तो मैं नहीं डालूंगी. मैं सोच रही हूँ मे बी इस पर्टिकुलर रैक के साइड में कील है यहाँ पे, तो मैं सोच रही हूँ उस पर डाल दूँ. ओके जी, वेलकम टू द मोस्ट अगली पार्ट ऑफ माई रूम विच इज दिस विंडो राइट हियर. ये मुझे एकदम भी पसंद नहीं है ऑनेस्टली. आई जस्ट हेट दिस विंडो सो मच. टू रीजन्स. नंबर वन, ये मेरे बेड के एकदम ऊपर है, मतलब आधा बेड मेरा इस विंडो के नीचे है. एंड सेकेंडली, क्योंकि इस पे जो ये पेंट लगा है भाई, ये हटता ही नहीं है. मैंने सब यूज़ कर लिया है इसको हटाने के लिए. ये पता नहीं किस टाइप का पेंट है, ये हटता ही नहीं है. तो ऑब्वियसली बहुत ही अगली है. मैंने इसके अंदर बबल रैप लगाया हुआ है सो दैट धूल वगैरह अंदर ना आए, बिकॉज पूरा पेड गंदा हो जाता है मेरा. एनीवे, इसके ऊपर वाइट कलर के कर्टन्स मैं लगाने वाली हूँ, विच यू विल सी आफ्टर द एंटायर सेटअप इज डन, बिकॉज पहले मुझे होम डेकोर हॉल करना है, उसके बाद ही लगाया जाएगा. बट बिफोर दैट आई हैव दिस फेरी लाइट राइट हियर, एंड क्योंकि मेरा प्लग पॉइंट इज राइट हियर, तो आई एम थिंकिंग आई यूज दिस वन इंस्टेड ऑफ द बैटरी ऑपरेटेड वंस. तो इसको लगा लेते हैं zigzag करके, बिकॉज रात में जलाएंगे तो काफ़ी प्यारा लगेगा. एंड जो कर्टन्स हैं they're gonna be sheer curtains, तो बहुत सुंदर लगेगा उसके अंदर से. मैं आशा करती हूँ कि मेरे को ये वाहियात से विंडो को सजाते हुए देख के आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा. नहीं भी लगा होगा तो इट्स ओके, मैंने कर दिया है. बाकी आई थिंक कि जो लाइटिंग है थोड़ी सी कम रह जाएगी, तो मुझे इसमें एक्स्ट्रा लाइट्स मे भी लगानी पड़े, बट वो कर्टन्स लगाने के बाद पता चलेगा, आई एम नॉट श्योर येट. बाकी मोस्टली सब कुछ हो चुका है. बेड थोड़ा सा गंदा है, बट वो ऑफकोर्स जब सारी चीज़ें होंगी लाइक व्हेन आई गिव द फाइनल टचेस मैं ये चीज़ फिक्स कर दूंगी. बाकी वो कोना इज लाइक द वर्स्ट, इट इज़ द वर्स्ट, लेट मी शो इट टू यू. मैंने मतलब आई एम नॉट गोना शो एनी मोर बिकॉज इतना भी खुद को रिवील नहीं करना चाहती मैं, इतना भी कैंडिड नहीं होना चाहिए. तो वो मैं क्लीन करने के बाद तो मैं अच्छे से दिखाने वाली हूँ. तो वो कॉर्नर बचा है अभी. आई एम जस्ट गोना सेट अप माय यूट्यूब वाला पूरा बैकड्रॉप एंड आई एम गोना शूट माय होम डेकोर हॉल, एंड उसके बाद हम फाइनल टचेस देने के बाद आज कमरे में सोने वाले हैं. ये मैं दूसरी बार बोल रही हूँ एंड होपफुली इस बार सच हो जाए, क्योंकि मेरी कमर और नहीं ले सकती, मतलब हो गया है, मेरी बैंड बच चुकी है ऑलरेडी और नहीं हो सकता. ओके, होम डेकोर हॉल शूट हो गया है. मैंने अभी भी ख़त्म करके मतलब सेटअप चेंज वेंज करके मैं बैठी हूँ मूव होके. नाउ आई एम थिंकिंग कि आई शुड जस्ट गेट डन विद एवरीथिंग, बिकॉज सामान सारा यहाँ मेरे सामने पड़ा हुआ जस्ट. तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले कर्टन्स लगा लिए. पहले मैं बड़ी एक्साइटेड थी कर्टन्स के लिए, बट अभी मैं थोड़ा सा अनश्योर हो गई हूँ क्योंकि मैंने कर्टन्स खोल के देखे हैं एंड वो कुछ ज़्यादा ही श्योर हैं. एंड विंडो का कलर बहुत ही ज़्यादा डार्क ब्राउन है, तो मैं थोड़ा सा डाइसी हूँ अब. बट लेट्स जस्ट पुट इट ऑन, नहीं होगा तो कुछ तो मैं जुगाड़ करूँगी उसका भी. एंड उसके बाद एक आध काम मेरा और रह रहा है, देन द रूम विल बी रेडी एंड रेडी टू शो यू. बाकी जो एक्स्ट्रा मेरे पास फेक लीज बची थी ना, वो मैंने
यहाँ पे ऐड कर दिए हैं बिकॉज आई जस्ट फील लाइक इट एड्स अ लिटिल बिट एंड मुझे फेक नहीं थी और इसको स्टोर करना इज़ अ हैसल इन इट सेल्फ, तो मैंने यहाँ लगा दिए हैं फॉर द टाइम बीइंग एंड वील सी की और क्या कर सकते हैं. तो लेट्स जस्ट गो पुट द कर्टेंस एंड डू द फाइनल टचेस. आई थिंक ठीक ठाक तो लग रहा है. से मंगवाए थे एंड जस्ट टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ फन एलिमेंट मैंने ऐड किया बिकॉज दूर से इट्स लाइक अ लिटिल बिट फनी, पास जाके लुक्स नॉर्मल मिरर जैसा. तो दैट्स द रीजन आई एडेड दीज ऑल्सो. एंड ये वॉल एक्चुअली खाली थी तो आई वॉन्टेड टू ऐड समथिंग योर एंड आई वाज लाइक ये ठीक लग रहा था इधर तो मैंने यहाँ पे लगा दिया. ओके, सो इससे पहले कि मैं आपको रूम मेकओवर का फाइनल रिवील दूँ, आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो दैट आई वर्कड वेरी वेरी हार्ड ऑन दिस रूम. इट मे नॉट बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बट आई रियली लव हाउ इट टर्नड आउट. आई लव हाउ इट हैज़ लाइक अ लॉट ऑफ प्लांट्स, इट हैज़ लाइक अ लॉट ऑफ स्पेस टू वॉक एंड हियर यू गो, हियर इज हाउ माई रूम नाउ लुक्स लाइक. Vibe that I went for. I hope तुम्हें पसंद आई हो ये वीडियो एंड आई होप तुम्हें रूम का डेकोर पसंद आया बिकॉज मैंने बहुत मेहनत की है इसके पीछे. आई नो बाल थोड़े से फैले हुए हैं बिकॉज मैं अभी आई थिंक एक घंटा पहले उठी हूँ एंड मैंने बाल कुछ नहीं बनाया है बट आई वॉज लाइक तुम्हारे सामने मैं इतना प्रोटेंशियस क्या आई हूँ. आई एम लाइक दिस एंड तुम्हारे सामने देर इज नो पॉइंट ऑफ बींग प्रोटेंशियस. सो या आई होप यू गाइज लाइक दैट. इन केस यू डिड, सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, कॉमेंट ऑन इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड या आई विल सी यू गाइज सून.